गोविंद हम ऐसे अपराधी ऐ वाहिगुरु असी अपराधी का मतलब पापी दाता असी ऐसे पापी हाँ तेरिया दाता लैके ते तेनू ही भुल जाते हाँ आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जिन प्रभ जीओ पिंड था दिया तिसकी पाओ भगत नहीं साधी जिस परमात्मा ने सानू ये शरीर दिता है ये श्वास दिते खाण नू शक्ति पदार्थ दिते पहनण नू कपड़ा दिता ये सारियां दातां दित्तियां इन्नियां दातां लैके भी उस परमात्मा नू सिमरदा नहीं फिर साडे वर्गा पापी कौन है आखो सतनाम श्री हम ऐसे अपराधी ओ वाहिगुरु सतगुरु जी कहते मेरा भी जी करता है मैं तेरे नाल गल करा जिवें आपां किसी नाल गल करते हाँ ना सतगुरु जी कहते जे मेरे नाल गल्लां करनियां ने ना तो प्यार दे नाल बाणी पढ़िया करो मेरे नाल गल्लां होणगियां आखो सतनाम श्री वाहिगुरु मेरे नाल गल्लां होणगियां पुछिए सतगुरु जी मैं सुख मंगता हाँ किमें मिलेगा अगों जवाब आया सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ देता ना जवाब बोल के केड़ी गल है तेरे मन की जेदा जवाब गुरु को नहीं तेरी हर एक टेंशन हर एक तेरी जो भी टेंशन कोई मुसीबत है कोई दुख है हर एक दुख का इलाज गुरु को है आखो सतनाम सेवा पर तू गुरु ना गल करके तो देख वो बोलता भी है तू बुला के दे देख वो छकदा भी है तू छका के तो देख घाट साढ़े विच है गुरु विच कोई घाट नहीं एक ना अखबार दे विच काफ़ी देर हो गई एक पोस्ट आई सी रब की चिट्ठी ध्यान ना सुनना वो साढ़े सारिया ते ढुकती है रब की चिट्ठी रब ने सानू चिट्ठी लिखी बंदे नू चिट्ठी लिखी रब ने रब की लिखता है कहिंदा मेरा भी जी करता है मैं तेरे नाल गल करा पर तेरे को टाइम ही नहीं हुण देखना जो वो चिट्ठी विच लिखिया है वो सार साडी अवस्था है रब ने चिट्ठी लिखी बंदे नू रब कहिंदा मेरा भी जी करता है मैं तेरे नाल गल करा सवेर होई सवेर तो शुरू करती सवेर होई तू उठ्या उठ के तू इशनान पानी कीता चाह दा मैं सोचिया रब कहिंदा मैं सोचिया हुण इशनान कर लिया है ते हुण मेरे नाल गल्लां करेगा भाव मेरा नाम जपेगा कहिंदा मैं रब कहिंदा मैं सोचिया हुण ने इशनान कर लिया है ते हुण मेरे नाल गल्लां करेगा कहिंदा तू चाह दा कप लै के ते अखबार पढ़ के बैठ गया मैं सोचिया सी मेरे नाल गल्लां करेगा हुण इहने इशनान कर लिया है अमृत वेले उठिया है साजरे उठ के इशनान किया है तू चाह दा कप फड़िया ते पेपर फड़ के अखबार फड़ के पढ़न लई बैठ गया चलो रब कहिंदा मैं सोचिया इस तों बाद टाइम कढ़ेगा इस तों बाद की होया फिर तैयार होया ऑफिस जाण लई कम ते जाण लई तैयार होया ते तेरे अगे लंगर दा थाल सज के आ गया घरदिया ने तेरे अगे रोटी रखती मैं सोचिया हुण मेरे नाल गल करेगा मैं सोचिया हुण मेरे नाल गल करेगा हुण मैनू याद करेगा प्रशादा छकन लग्या है ना हुण मैनू याद करेगा कहिंदा तू फिर भी याद नहीं किया बस रोटी तोड़ी तो मिंटो मिंट खाण लग गया हुण सोचना दिमाग विच अपने मन विच सोचना ये साडी अवस्था है इदां ही हुंदा है ना साडी लाइफ विच भी सवेरे उठदे आ रब दा कोई नाम नहीं खादा पीता कम्मां कारां ते बिजी ते सतगुरु जी जिहड़ा शब्द पढ़ रहे सी हम ऐसे अपराधी ऐ वाहिगुरु असीं ऐसे पापी हाँ ऐसे अपराधी हाँ तेरियां दातां लै के ये शरीर तेरे कोलों ये श्वास भी लै के तेरा नाम नहीं जपदे हम ऐसे अपराधी
ਅਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਆ ਗਈ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਆਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਟੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਟੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਪਈ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਕਰ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਦ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੀ ਭਾਓ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਸ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਇਹਨੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਆਈ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਠ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸੇਠ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਮਸਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਮਾਣਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਚੱਲੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਠ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਸੇਠ ਨੇ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਐਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕੌਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ,
दूसरा बारी फिर समा लंघिया, भगत कबीर जी फिर आए ते आके कहन लगे सेठ जी नाम जपिया करो अंत वेले काम आवेगा को सतनाम श्री वाहे। जिथे कोई साथ नहीं ना देंदा, जे तेरे को नाम की ताकत है, नाम की शक्ति है, ते नाम तेरी सहायता करता है। ते की होया दूसरी बारी जो भगत कबीर जी उस सेठ की दुकान ते गए ते जाके कहते नाम जपिया कर। भगत कबीर जी ने अपने नौकरां नूं कह, उस सेठ ने अपने नौकरां नूं कहना कीता, कहिंदा इहनूं धक्के मार के दुकान तो बाहर कढो, धक्के मार के इहनूं दुकान तो बाहर कढ के आओ। चलो भगत कबीर जी जो रब के प्यारे रब के रंग रंगे, तो जेडे रब के रंग रंगे होंगे ने ना, वो किसी गल का गुस्सा भी नहीं करते। आखो सतनाम श्री वाह, वो किसी का गल का गुस्सा भी नहीं करते। समा लंघिया तीसरी बारी फिर जदों भगत कबीर जी उस सेठ की दुकान पर गए, कह लगे मना चलो उन्हें कौड़े बोल बोले सानू धक्के मारे, चलो कोई गल नहीं, चल मना कोई गल नहीं, उपदेश कर चलीए, उन्हें रब नाल जोड़ दिए। तीसरी बारी जदों सेठ दी दुकान ते गए ते सेठ इन्ने गुस्से विच नौकरां नूं कहिंदा है नूं चक के लै जाओ ते दूर सिट के आओ। हुण नौकरां ने उदां ही क्योंकि नौकर सी उन्हें मालक का हुक्म मनना है, तो भगत कबीर जी नूं दूर जाके सिट आए। मिट्टी दे विच भगत कबीर जी कपड़े झाड़दे उठे ते कहन लगे उच्ची बाह करके ना कहन लगे राम सिमर पछताहेगा मन राम सिमर, ऐ गाण लगे। कहन लगे राम सिमर पछताहेगा मन है मना पछतावेगा, सानू धक्के मारदा है तेनू कहने नाम जप एक ना एक दिन पछताना पवेगा। समा लंघिया होया कि भगत कबीर जी तुरे जा रहे ने, भगत कबीर जी तुरे जा रहे ने ते रस्ते दे विच की देखते हैं, एक ना बल्द रेड़े दे नाल जोया है, बल्द रेड़े ते भार बहुत लद्दिया होया है ते चढ़ाई चढ़नी है, बल्द ने खिंचना है रेड़ा दे को खिंचया जा रहा नहीं, उहदा मालक सोटियां मार मार के उहदा बुरा हाल बल्द दा, वो को खिंचया जा रहा नहीं भार है। हुण होया कि बल्द को खिंचया ना गया, उहदे अगले पैर मुड़ गए ते जदों थले डिग्गिया बल्द दे गाटे ते मान लो सिर ते वो भार जदों ज़्यादा पिया उहदा कंधे टुट गए, वो बल दे धुन टुट गई, हुण वो तड़फ रहा है। भगत कबीर जी लंघे जा रहे जदों देखिया ते जाके भगत कबीर जी ने दिव्य दृष्टि नाल देखिया ते कोल जाके उहदे कन्न च पता की कहिंदे, कहिंदे क्यों सेठ जी किहा सी ना नाम जपिया कर, आखो सतनाम श्री। भगत कबीर जी दे जो चेले सन नाल सेवक, वो कहन लगे सेठ जी ये बल्द दे कन्न विच की गल कीती है, ये कौन है? कहन लगे ये ओही सेठ है जिन्हों कहिंदे सी नाम जपिया कर आखो सतनाम श्री। ये नाम नहीं ना जपिया ते हुण हालत की हो गई है, चार पाव दोए सिंग गुंग मुख तब कैसे गुण गही है। कहिंदे इहदी हालत कैसी हो गई है, चार इहदे पैर हो गए हुण बल्द दी चूण विच, चार पाव दोए सिंग दो इहदे मत्थे ते सिंग लग गए हन, गुंग मुख इहदा मुख भी गूंगा हो गया, हुण ते वाहिगुरू भी नहीं कह सकदा,
क्योंकि वाहिगुरू कहण लई एक मनुख जन्म है जिस दे विच सिमरन कर सकते हाँ, उहदे गुण गा सकते हाँ, होर किसी जन्म विच भी आपां उहदी भगती नहीं कर सकते। ते सतगुरु जी भगत कबीर जी कहण लगे गूंग मुख कहिंदे तां मूंह भी गूंगा हो गया है ते हुण ते नाम भी नहीं जप सकता। कहिंदे हालत कैसी होगी उठत बैठत ठेंगा पर है तब कत मूंड लुकई है। कहिंदे हुण इहदी हालत इह हो गई है उठदियां बहिंदियां नूं ठुड्डे वजदे रहिंदे ने। देखदे ना आपां घरां विच पशु रखे ने खांदे ओह चारा भी खा रहे ने उठदे बहिंदे उहनां नूं ठुड्डे वजदे रहिंदे ने। कहिंदे इहदी इह हालत हो गई है हर बिन बैल विराने हुई है नाम सिमरन तों बिना। कहिंदे इहनूं बैल दी जून मिली है नाम नहीं जपिया ने। फाटे नाकन टूटे कांधन कोदो को भुस खई है। कहिंदे इहदी नक पाड़ के ना ते उहदे विच नकेल पाई गई इहने नाम नहीं जपिया। देखो कैसी जून नाम तों बिना। इसे करके वार वार गुरु कहिंदे ने नाम जपिया कर नाम जपिया कर सिमरन करिया कर। कहिंदे टूटे कांधन कहिंदे इहदे मोढ़े भी टुट के भार चुक चुके उदो को कुस खई है। कहिंदे जिते शक्ति पदार्थ छकदा सी हुण इहदा खाणा कैसा हो गया घा फूस खा के गुजारा करता है। सारो दिन डोलत बन महिया अज होना पेट अगही है। कहिंदे सारा दिन इहदा मालक इहदे कोलों कम लैंदा है पर पेट भर के खाण नूं फिर भी नहीं दिंदा। को सतनाम सी जन भगतन को कहो न मानो कि ओ अपनो पई है। कहिंदे रब दे भगतां दा इहने कहना नहीं मन्निया नाम नहीं जपिया ते हुण दुख भोग रिहा है। दुख सुख करत महा भ्रम बूडो अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरियो एहो सरकत पई है। कहिंदे हीरे नालों भी महंगा है तेरा जन्म एक सुवास भी सारी उम्र की पूंजी इकट्ठी की होवे एक सुवास भी तू मुल नहीं खरीद सकता। इन्नी सुवासा की कीमत है एक सुवास भी मुल नहीं खरीद सकता। भ्रमत बिरत तेलक के कप ज्यों गत बिन रैन बिहाई है। कहत कबीर राम नाम बिन मूड तुने पुछतई है। कहिंदे हुण तू बैल दी जूनी विच की कर सकता है ते धरती ते सिर मार मार के रोवेगा। को सतनाम श्री वाह। सो ये भगत कबीर जी नाम ना जपण के कारण ये हालत होंगी है। सो इसे